नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने भागलपुर स्टेशन का किया निरीक्षण। डीआरएम ने कहा यात्री की सुविधा के लिए किए जाएंगे कई कार्य। आज मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे के द्वारा भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कराए जा रहे कार्यों की बारीकी से देखा। वहीं स्टेशन पर बनने वाले मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के जगह का भी मुआयना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा यात्री की आवाजाही भागलपुर स्टेशन पर होती है और उनकी सुविधा के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मालदा डिवीजन के कई अधिकारियों के साथ साथ भागलपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मैं हमको केवल फीडबैक रिपोर्ट मिलती रहती है जिसको कि मैं केयरफुल लिखता हूं। जाइएगा सर आगे आगे अब साहिब पर तिरुपति इन दो जगहों पे जाना है जहां निरीक्षण करना है। कुछ विशेष बिंदु है वहां भी स्टेशन को लेकर विचार। मुझे स्टेशन यार्ड से लेकर के कुछ काम है जिसमें कि गति बढ़ाने वाले काम वो देखने हैं। यार्ड को लेकर रेल मंत्रालय से कुछ आदेश है ऐसा? नहीं, रेल मंत्रालय से कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमको अपनी स्पीड, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि स्पीड, क्योंकि कुछ अवरोध लगे हुए हैं तो वो क्यों लगे हैं, उनमें क्या सुधार करने से वो अवरोध हट सकते हैं, तो ये इसकी थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके और हमारे पूरी टीम अवेलेबल है, टीम के साथ उसका समाधान निकालना है। नहीं, इधर नहीं, अब मैं तिरुपति और साहिबगंज की तरफ। मैं तो कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षमता के लेवल से ऊपर की चीज है। अवरोध कब तक खत्म है? जी सॉरी, अवरोध कब तक? नहीं, ये अवरोध क्या, आप गलत समझ रहे हैं। ये अवरोध जो है वो कोई अवरोध नहीं है। ये हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि 130 की गति से गाड़ियां चला सके।